बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जनवरी के महीने में रिलीज होने वाली थी। बताया गया था कि यह फिल्म 6 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि आलिया भट्ट जूनियर, एनटीआर, रामचरण और अजय देवगन की अभिनीत एसएस राजामौली की फिल्म आरआर 7 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस पर इस कलेश से बचने के लिए संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया था। अब गंगूबाई काठियावाड़ी की एक नई रिलीज डेट सामने आई है। आलिया भट्ट की स्टारर फिल्म 25 फरवरी 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेकर्स ने यह भी खुलासा कर दिया है कि 25 फरवरी के दिन गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ लीड रोल में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन भी दिखाई देंगे। आरआर से पहले आलिया भट्ट और अजय देवगन की जोड़ी गंगूबाई काठियावाड़ी में दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर आ रही जानकारी के मुताबिक अगर आलिया भट्ट और अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी के दिन रिलीज होती है तो उनकी टक्कर सीधे रणवीर सिंह स्टारर जयस भाई जोरदार से होगी। रणवीर सिंह की जयस भाई जोरदार YRF द्वारा निर्मित है। अब आने वाले समय में देखना यह है कि जयस भाई जोरदार के मेकर्स अपने रिलीज डेट को बदलते हैं या फिर वो इस कलेश के लिए तैयार हैं। फिल्मी दुनिया के अनोखे रंग, मजेदार खबरें और माया नगरी की गॉसिप्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें बॉलीवुड फ्राई।